हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पिछले क्लास में हमने एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी किया था कि अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर्स ओड टाइम्स में है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। बट अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम्स में है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्या हमने बोला? अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर्स ओड टाइम्स में है, ओड टाइम्स में है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। और अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम्स में है, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और हमको पता होना चाहिए कि ओड क्या होता है, इवन क्या होता है। ओड होता है जो टू से डिविजिबल नहीं हो, और इवन होता है जो टू से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ओके, तो देखो हम लोग प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह समझेंगे। पहले कुछ एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल के ही थ्रू हम लोग सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे। देखो बच्चे, -20 × -5, देखो इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत ही आसान तरीका है। जिसे हम होल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, होल नंबर का जिस तरह हम प्रोडक्ट निकालते हैं ठीक उसी तरह निकालेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला को वहां बैठाएंगे। ठीक है, तो 20 × 500, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटीजर्स जो है कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, और टू इज इवन नंबर, और इवन नंबर रहेगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ये देखिए -3 × -9 = 27, -9 × -3 = 27। देखो बच्चे, चाहे हम -3 × -9 की तो 27 ही आया, या फिर -9 × -3 किए फिर भी 27 ही आया। तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम a गुना b करें या फिर b गुना a करें, चाहे हम a गुना b करें या फिर बी गुना ए करे, हमारा जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम ही आता है। इट मीन्स टू से दैट कि हमारा जो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर देखो -20 × -5 क्या आया, 100। -20 × -5 क्या आया, 100 आया। देखिए -20 भी इंटीजर्स है, -5 भी इंटीजर्स है। अगर हम दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या इंटीजर है? आप इंटीजर है, क्योंकि 100 भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर्स ही आता है। ओके, फिर आगे देखो और ये भी समझ आएगा। -5 × 3 = -15, 3 × -5 = -15। माइनस साइन यहाँ क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव इंटीजर्स एक बार है और एक ओड नंबर है, तो ये हो गया। ये भी देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रहा है। -5 × 3 किए वही आया, या फिर 3 × -5 किए -15 आया। ओके, 5 × 0 = 0। देखो होल नंबर में हम सीखे थे कि अगर कोई भी इंटीजर्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो जीरो आता है। ठीक उसी तरह अगर हम कोई भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। इस प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। -6 × 1 - 6 = 17 × 1 = 17। देखो बच्चे, अगर हम कोई भी इंटीजर्स में वन से मल्टीप्लाई करें, अगर हम कोई भी इंटीजर में वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम नंबर रहेगा, जो पहले था वही नंबर रहेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये अपना पहचान, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, अपना पहचान। ठीक है, अपना पहचान नहीं बदल रहा है, किसी से गुना करो अपना पहचान ये बदलने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया। अब देखो -2 × 3 × -4 -2 × 3 क्या होगा, -6 × -4 यहाँ क्या हो जाए। देखो टू टाइम्स है पॉजिटिव तो आएगा, 6 × 4 = 20, या फिर यहां देखिए -2 × -4 = 8, 8 × 3 कितना होगा, 24। देखिए चाहे हम इससे हमको क्या मिल रहा है, a गुना b गुना c है, a गुना b गुना c, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, तो फिर यहाँ पे ये a हो गया, ये c हो गया, ये b हो गया। इट मीन्स टू से दैट a गुना b गुना c कीजिए या फिर a गुना c गुना b कीजिए, हमारा जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम ही आता है। तो इट मीन्स टू से दैट इंटीजर्स भी जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है।
लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ जो है मैंने लिख रखा है, ठीक है, मैं इसे अरेंज करता हूँ, ओके। देखिए क्या है, 18 इंटू सेवन प्लस माइनस थ्री, 18 इंटू सेवन 126 प्लस 18 इंटू माइनस थ्री माइनस 54। अब देखिए यहां प्लस माइनस माइनस होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं, 126 माइनस 54, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 की 7, 72। या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, क्या है हमारा 18 इंटू सेवन प्लस माइनस थ्री। अब देखिए 18 इंटू प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, 18 इंटू 4 कितना होगा 72। देखो बाबू, चाहे इस तरह से करो या फिर इस तरह से करो, दोनों का रिजल्ट सेम आया, ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आया। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटना। और देखिए यहाँ पे बांट बांट के किए, एक बार इसके साथ किए, फिर एक बार इसके साथ किए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किए, तो फिर भी मेरा रिजल्ट जो था वो सेम ही आया, ठीक है। इट मीन्स टू से दैट कि इंटीजर्स भी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम सारे प्रॉपर्टी कर लिए हैं, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं कि इंटीजर्स क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्या नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, ओके। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम कोई भी इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर्स ही आता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखा कि ए गुना बी कीजिए या फिर बी गुना ए कीजिए, रिजल्ट जो आएगा सेम ही आता, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव। हमने तीसरा प्रॉपर्टी देखा कि अगर कोई भी इंटीजर्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा, हमने तीसरा प्रॉपर्टी देखा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। हमने चौथा प्रॉपर्टी देखा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा इसमें कोई भी इंटीजर्स को अगर हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो इंटीजर्स है वही इंटीजर्स रह जाएगा, मतलब वो अपना आपको चेंज नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों आप लोग भी अपना आइडेंटिटी बनाए रखें, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, ए गुना बी गुना सी कीजिए या फिर ए गुना सी गुना बी कीजिए या फिर सी गुना ए गुना बी कीजिए, हमारा जो रिजल्ट आएगा सेम ही आता है। इसके बाद हमने ये लास्ट में देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन्स टू से दैट अगर हम इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।